अमेरिका के दक्षिण पश्चिम टेक्सास के सैन एंटोनियो में सोमवार को एक ट्रैक्टर में ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत मिले और 16 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की प्रवासियों की तस्करी से जुड़े होने की भी आशंका जताई गई है। पुलिस प्रमुख विलियम मैकमैनस ने बताया कि शाम करीब 6 बजे मदद के लिए चीख पुकार सुनकर घटना स्थल पर मौजूद शहर के एक कर्मी को स्थिति का अंदाजा हुआ। अधिकारी ट्रैक्टर ट्रेलर के पास पहुंचा तो उसने उसके बाहर जमीन पर एक शव देखा। वहीं दमकल विभाग के प्रमुख चार्ल्स हुड ने बताया कि प्रचंड गर्मी की वजह से बीमार पड़े जिन 16 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया उनमें से 12 वयस्क और 4 बच्चे हैं। मरीजों का शरीर तप रहा था और ट्रेलर में पानी बिल्कुल नहीं था। पिछले कुछ दशकों में मैक्सिको से अमेरिका सीमा पर करने के प्रयास में मारे गए हजारों लोगों की घटना में यह सबसे घातक त्रासदी हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि गर्मी और भीषण उमस से ऐसा हो सकता है। सैन एंटोनियो इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। यह सोमवार को तापमान 103 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच गया था। ये जगह मैक्सिको की सीमा से करीब 250 किलोमीटर दूर है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान के बीच रेगिस्तानी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे प्रवासियों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालने की चेतावनी भी दी थी। इससे पहले जुलाई 2017 में सैन एंटोनियो पुलिस द्वारा वॉलमार्ट पार्किंग में खोजे गए ट्रैक्टर ट्रेलर में 10 प्रवासियों के शव मिले थे। इस मामले में ट्रक के ड्राइवर जेम्स मैथ्यू ब्रैडली जूनियर को तस्करी अभियान में उसकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2003 में सैन एंटोनियो के दक्षिण पूर्व में एक ट्रक में 19 प्रवासी मिले थे। वहीं अब ये घटना सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।